अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटर्नल टेंजेंट। एक्सटर्नल टेंजेंट क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई प्रैक्टिकल की रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर एग्जांपल्स हैं, जैसे चेन हो गई, पुली हो गई, तो वो आज हम देखेंगे कि एक्सटर्नल टेंजेंट हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने पास एक मैं लाइन लगाता हूँ यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर की मैं एक अपने पास लाइन लगाऊँगा, ए बी लाइन लगाऊँगा अपने पास 15 सेंटीमीटर की, ये और ये बी, ये मेरे पास लाइन का जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद मैं 15 सेंटीमीटर लगाने के बाद ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर दो सर्कल लगाऊंगा, और ए पॉइंट पर जो मेरा सर्कल लगाऊंगा उसका मेरे पास जो रेडियस होगा वो है 5 सेंटीमीटर। तो मैं ये 5 सेंटीमीटर की ये कंपास को ओपन कर लेता हूँ, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस की और 10 सेंटीमीटर इसका डाया है, तो उसकी कंपास ओपन कर ली। तो उसको मैं ये सर्कल को ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरे पास है 10 सेंटीमीटर डाया। अब उसके बाद जो बी के ऊपर सर्कल मैंने लगाना है उसका जो मेरे पास डाया वो है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर अगर उसका डाया तो रेडियस उसका मेरे पास होगा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की मैं कंपास ओपन की, बी पॉइंट पर रखी और ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दी। अच्छा जी, अब उसके बाद मैंने क्या करना है, अगला काम मैंने करना है ए बी लाइन का इंटरसेक्ट करना है और उसका मिड पॉइंट निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी के ऊपर मैं कंपास रखता हूँ, ए और बी के हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा खोल के एक आर्क इधर और एक आर्क इधर लगा दें, इसी को सेटिंग को उठाया और ए पर रखा और एक आर्क इधर और दूसरी आर्क इधर, ये मैंने ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया। अब उसके बाद मैं स्केल लेके इस लाइन को आपस में मिला दूंगा, यहाँ से पॉइंट्स को जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये मेरे पास इस पॉइंट का मिड पॉइंट आ चुका है, इस लाइन का ये मेरे पास मिड पॉइंट आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एक्सटर्नल टेंजेंट के अंदर क्या करना है, जो मेरे पास ए पॉइंट के ऊपर सर्कल लगा 10 सेंटीमीटर का और बी के ऊपर जो सर्कल लगा मेरे पास 4 सेंटीमीटर डाया था, अब मैंने ए वाले सर्कल को बी वाले में से माइनस कर लिया। अब ए वाले को बी के अंदर से माइनस किया तो वो मेरे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ए माइनस बी में से किया 10 माइनस 4, तो वो आ गया मेरे पास 6 सेंटीमीटर डाया। तो अब ए पॉइंट पर मैं सर्कल लगाऊंगा जिसका डाया मेरे पास होगा 6 सेंटीमीटर, तो उसका जो रेडियस होगा वो होगा मेरे पास 3 सेंटीमीटर। इसको मैंने उठाया, और यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कल है वो ड्रॉ कर दिया। अब मैंने क्या करना है, बी मिड पॉइंट के ऊपर कंपास सेट करनी है अपने, और ए पॉइंट तक या बी पॉइंट तक ओपन करनी है, मिड पॉइंट पर रखकर ए तक ओपन की या बी तक। तो ये एक सर्कल जो है ये पूरा सर्कल की शेप बन जाएगी, ये सर्कल आपने ड्रॉ कर देना है। अब अगला जो काम है, अगला काम है जिस पॉइंट से ये मेरा सर्कल टच हो रहा है, ये वाला जो सर्कल अंदर से टच हो रहा है जो मैंने माइनस किया है सर्कल, ये वाला सर्कल मेरा माइनस किया है मैंने, ए माइनस बी है ये, जहाँ पर ये बाहर वाले सर्कल को टच कर रहा है और ये पॉइंट जहाँ पर है, इनको पॉइंट को आपस में इंटरसेक्ट करते हुए गुजार रहे हैं, ए से लिया और इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए ये पॉइंट मैंने मार्क कर देना है, ए पॉइंट से लेना है और जिस पॉइंट पर ये मार्क कर रहा है इसको मैं डी दे देता हूँ, तो ये बाहर वाले इस पॉइंट से इंटरसेक्ट होकर गुजरेगा।
सेम है इसके नीचे ये वाला पॉइंट कर लेता हूँ जिस जगह से यहाँ से गुजरेगा इंटरसेक्ट होके, इसको मैं दे देता हूँ डी डैश। अब उसके बाद जो आपके पास सेट स्केयर्स हैं इनका काम होगा, सेम आपने जो ये लाइन इधर लगाई है डायगनल ये आपने इस साइड पे लगानी है इंटरसेक्ट वाली लाइन, तो उसके लिए हमने सेट स्केयर की मदद से लगा सकते हैं। सेट स्केयर को इधर रखा और उसके ऊपर ये सेट स्केयर को रखा और इस लाइन के साथ ऐसे करके जॉइंट किया, जहाँ पर ये लाइन के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। नीचे वाले सर जो आपके नीचे वाला जो आपका सेट स्केयर है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, ऊपर वाले को उसके ऊपर स्लाइड करना आराम से। और ये आपने पॉइंट लगा देना है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल लग गई है, ये स्लाइड करके जैसे ये लगा हुआ है इसी को स्लाइड करके इधर ले आए तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल लग गई। सेम आप यही वाला काम नीचे वाले में कर लो। अब नीचे वाले को डिस्टर्ब नहीं करना, ऊपर वाले को इसके ऊपर आराम से स्लाइड करते जाना और इस पॉइंट पर आकर ये आपके पास दोनों पॉइंट आ जाएंगे, ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट। अब सिंपल आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से टेंजेंट को मिला देना, ऊपर वाला मिल गया टेंजेंट। सेम इसी तरह आपने ये नीचे वाला जो टेंजेंट आपके दो पॉइंट है ये बन गया आपका एक्सटर्नल टेंजेंट। इसमें एक्सटर्नल टेंजेंट में आपके पॉइंट बाहर वाले टच करने हैं। ये था हमारा अब एक्सटर्नल टेंजेंट। अब अगला टेंजेंट जो अगला जो है वो अब हम करते हैं इंटरनल टेंजेंट। अच्छा जी, अब अगला हमारा जो है इसमें इंटरनल टेंजेंट। तो इंटरनल टेंजेंट में स्टार्ट वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले वाले में किया था, सारा ए बी लाइन लगा के और ये दोनों सर्कल लगा लिए थे 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और फिर लाइन का मिड पॉइंट। तो ये चीज़ें मैंने पहले से कर लिया। अब आगे जो फर्दर इसमें काम करना है वो काम क्या करना है, एक्सटर्नल में हमने सर्कल किए थे माइनस और जबकि इंटरनल में हमारे सर्कल होने हैं प्लस। तो अब ये मेरे पास 10 है और ये 4 है, तो जो 10 और जो 4 है वो मेरे पास प्लस होंगे, वो मेरे पास बन जाएंगे 14 सेंटीमीटर। मतलब 14 सेंटीमीटर का एक सर्कल यहाँ पे लगना है जिसका डाया होगा 14 सेंटीमीटर और उसका रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। तो अब मैं 7 सेंटीमीटर का ये एक सर्कल को पास खोल दूँ पहले 7 सेंटीमीटर की, उसके बाद इसके मिड पॉइंट पे रखा 7 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल जो है मेरे पास ये ड्रॉ हो चुका है। अब उसके बाद अगला काम क्या करना है, जैसे एक्सटर्नल में किया था कि ये मिड पॉइंट के ऊपर कंपास रखनी है हमने और रखने के बाद ये ए पॉइंट या बी पॉइंट तक ओपन करके तो ये वाला एक सर्कल हमने ड्रॉ इस तरह से कर देना है। ये पूरा कंप्लीट एक सर्कल मिड पॉइंट से ड्रॉ हो जाएगा दोनों पॉइंट्स के इर्द गिर्द। उसके बाद अगला काम क्या करना है, अगला काम हमने इसके जो बाहर जो हमने सर्कल लगाया प्लस करके उसको जिस पॉइंट पर ये वाला सर्कल टच कर रहा है ये वाले दोनों पॉइंट्स ले लेने हैं हमने। जैसे एक्सटर्नल में टेंजेंट गुजारे थे इसी तरह इसके ऊपर से भी हम टेंजेंट को पास करेंगे। इसी तरह इधर इसी तरह ये हम नीचे वाला टेंजेंट आपको मार्क कर देता हूँ, ये दोनों पॉइंट ड्रॉ हो चुके हैं। अब उसके बाद जैसे एक्सटर्नल के अंदर हमने इसको स्लाइड किया था इसी तरह इसमें भी स्लाइड करना है, लेकिन इसमें क्या करना है उसमें हमने पैरेलल स्लाइड करके ऊपर वाला ऊपर लगा था पैरेलल, लेकिन इसमें स्लाइड करके जो है हमारे वो इस तरह से लगेंगे। इसमें से अब जो मेरे लगने हैं वो इस तरह से लगेंगे कि जो ऊपर वाला है वो नीचे जाके स्लाइड करके लगेगा इस तरह से, स्लाइड करके मेरा जाके ये नीचे लगेगा। ऊपर वाला मेरा नीचे लगना है और नीचे वाला स्लाइड करके पैरेलल ऊपर जाके लगना है मेरा इंटरनल टेंजेंट में। तो इसको बिल्कुल सेट करके इसके ऊपर स्लाइड करवाना है आपने। ये चले गए पैरेलल।
अब इस पॉइंट से पॉइंट मेरे पास मार्क हो चुका है। उसके बाद अब ये इन पॉइंट्स को मैं मार्क कर देता हूँ, और जिस पॉइंट पर ये वाले इन साइड पर ये टच कर रहे हैं इन पॉइंट्स को मैं नेम दे देता हूँ सी और सी डैश। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये वाले सी डैश को आपने इस पॉइंट से, इसको पी कह देता हूँ और इसको क्यू कह देता हूँ, सी डैश को अपने पी पॉइंट से मीट करवा देना है बिल्कुल सेट करके। इसी तरह ये नीचे वाला जो आपके पास टेंजेंट है इसको ऊपर वाले टेंजेंट से मिला देना इंटरनल टेंजेंट में। तो अब ये मेरे पास इंटरनल टेंजेंट ड्रा हो चुका है। इसमें जो इंटरनल टेंजेंट के अंदर जो अपने पॉइंट मिलाने हैं वो पॉइंट का अपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि जो अंदर वाले सर्कल पर जाकर टच कर रहे हैं उस पॉइंट से आपने पॉइंट इधर पी पे मिलाना है, और जो आपका ये सी पॉइंट है ये आपको क्यू पॉइंट पर आकर मीट करना चाहिए। और इंटरनल टेंजेंट भी हमने जो पैरेलल लगाने होते हैं जो ये वाले ये स्लाइड कर कर हमने ये नीचे ऊपर वाला ये नीचे आएगा इधर से, और इधर से जो ये नीचे वाला ये इधर से ऊपर जाएगा स्लाइड करके, इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, शुक्रिया।